प्यारे बच्चों पदार्थों को किसी मिश्रण से अलग करना आपने देखा है चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा अलग किया जाता है स्टूडेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग टी टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर जब कभी हम खिचड़ी या इस तरह का कोई अन्य पदार्थ खा रहे होते हैं जिसमें मिर्च हो तो खाने से पहले हम मिर्च को सावधानी पूर्वक बाहर निकाल देते हैं वेन एवर यू ईट खिचड़ी यू फाउंड दैट इट हैड सम रेड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग मक्खन को दही से अलग करने के लिए उसका मंथन किया जाता है मिल्क एंड कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर डू यू लाइक बटर अगर हमें एक टोकरी में आम और अमरूद दिए जाएं और कहा जाए कि इसे अलग करो तो हम आसानी से एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे और फल अलग अलग हो जाएंगे सपोज वी हैव ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज एंड गोवाज एंड यू हैव टू सेपरेट सेट इट्स सो इजी फॉर एवरी वन पिक आउट मैंगोज वन बाय वन एंड प्लेस दैम इन सेपरेट बास्केट परंतु सोचो अगर हमें रेत और नमक का मिश्रण दे दिया जाए तो क्या हम हाथ से बीन कर उन्हें अलग कर सकते हैं नहीं यह सोचना भी असंभव सा है इफ वी हैव टू सेपरेट मटीरियल्स विच आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गोवास फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इट इज सो डिफिकल्ट हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं अलग करने की प्रक्रिया अलग करने का उद्देश्य और अलग किए अवयवों का हम क्या करते हैं आइए जानते हैं सबसे पहले चावलों से पत्थरों को अलग करना उद्देश्य है हानिकारक अवयवों को दूर करना और निकाले हुए पत्थरों को हम बाहर फेंक देते हैं अगला है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना उद्देश्य है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना और हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं मक्खन का भी और लस्सी का भी तीसरा है चाय की पत्तियों को अलग करना उद्देश्य है अनुपयोगी अवयवों को दूर करना और हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं अस नो वाई डू वी सेपरेट सब्स्टांसेस इन द टेबल there is separation process purpose for which we do the separation what do we do with the separated components first is separate stones from rice purpose is to separate two different but useful components and we throw away the solid component after separation we separate churning milk to obtain butter for removing non useful components and we throw away the impurities we separate tea leaves to remove impurities or harmful components we use both the components अब हम जान गए हैं कि मिश्रण के अवयवों को अलग क्यों करते हैं नाउ वी हैव कम टू नो दैट वाई वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बट कंपोनेंट्स मे बी ऑफ डिफरेंट साइजिस दे कैन बी सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसीय स्टेट इन ए मिक्सचर परंतु मिश्रण के अवयव अलग अलग आकार के हो सकते हैं वे ठोस द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं सो टू सेपरेट दैम वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन इसलिए उन्हें अलग करने के लिए हम पृथककरण की अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं पृथककरण यानी अलग करने की हस्त हस्तचयन हैंड पिकिंग इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल या दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों पत्थर तथा भूसे को अलग करने में किया जा सकता है इस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसीज ऑफ डर्ट Stone and husk from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. स्टूडेंट्स यू हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स बच्चों आपने खेतों में गेहूं या धान की सूखी डंडियों के गठर तो देखे ही होंगे डंडियों से अनाज अलग करने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है स्टॉक्स आर ड्राइड इन सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को अलग करने के प्रक्रम को हम थ्रेशिंग कहते हैं द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन बहुत ज़्यादा में फसल हो तो अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग करते हैं